हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो की जा रही, ट्रिग्नोमेट्री में उसके डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें थी उनके क्वेश्चंस किए गए। पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है, फिर क्वाड्रेंट पे बेस्ड है, फिर डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किए। तो अब हमारा जो स्टार्टिंग पोर्शन था वो फिनिश होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक नया एप्लीकेशन शुरू होगा, बाद से हाइट्स एंड डिस्टेंस शुरू होगा, जो उसी पे बेस्ड होता है, जो हम लोगों ने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए हुए थे उस पे बेस्ड होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग वाले, वो चीज़ पहले समझ लेना ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ क्या किया जाता है, अगर हम नीचे से कोई एंगल यहाँ मेजर करेंगे, मान लीजिए इसकी जो भी हाइट है, यहाँ पॉइंट पी से अगर हम एंगल मेजर करें तो हमारा जो आई यहाँ पर होगी वो एंगल बनाएगी थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये यहाँ से जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलेंगे। और इसका उल्टा मान लीजिए कोई चीज़ ये एच हाइट की है, कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, ऊपर से अगर एंगल हम मेजर कर रहे हैं, ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं थीटा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर नीचे से कोई चीज़ ऊपर की चीज़ को देख रहे हैं, हमारी आई जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ऊपर से कोई चीज़ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। और एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, देखिए चाहे हम इस तरीके से मेजर करें नीचे से, या अगर ऊपर से मेजर कर रहे होंगे तो ये वाला थीटा बनेगा। और क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन होंगी इसलिए दोनों एंगल बराबर होंगे। तो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया जा रहा हो, चाहे वहीं उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जा रहा हो, दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। बस मेजर करने के लिए जो वे है उसको डिफरेंट कहा गया कि अगर यहाँ से मेजर करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यहाँ से मेजर करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एक चीज़ और यहाँ कंसिडर की जाती है कि देखिए हम हमेशा अपनी आई को यहीं पर मान के चलेंगे, मीन्स बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आई को अपनी मान चलेंगे। ये बिल्कुल समझ लीजिए जब भी मेजर करना होगा तो आदमी को एकदम ज़मीन के अंदर कर दिया, केवल आई लेवल होगा उसका। तो जो भी, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी इसकी हाइट होगी उसको हम ग्राउंड लेवल लेंगे, उस जो भी हाइट है उसको कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ भी सीधे ग्राउंड लेवल होगा, यहाँ भी ग्राउंड लेवल होगा, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और ये वाला हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। किसी भी हाइट के मेजरमेंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। अब जो बातें अभी हम लोगों ने की हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, उसके जरा एग्जांपल के थ्रू समझा जाए, लैंग्वेज को ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ है कि कोई भी जो टावर है वो पर्टिकुलर टाइम पे जो उसका किसी पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और उस टावर की हाइट अगर 10 मीटर है तो उसकी शैडो की क्या जो है लेंथ होगी। क्वेश्चन फिर समझिएगा, कोई टावर जो है 10 मीटर हाइट का है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है, तो उस टावर की शैडो क्या होगी। तो शैडो का मतलब हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जहाँ से सन का इफेक्ट आएगा यहाँ से रेज आएंगी, तो यहाँ पे जा करके रेज जिसके बाद होंगी इसके पहले नहीं होंगी। इस पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट हो रही वो 30 डिग्री है, तो टावर 10 मीटर हाइट का है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, शैडो एक्स हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर अपान बेस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, टेन 30। तो टेन 30 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी अपान बी, मतलब 10 अपान एक्स के बराबर आ जाएगी। और ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10√3 मीटर की। इसका मतलब उस टाइम में जो इस टावर की शैडो होगी उसकी लेंथ जो होगी 10√3 मीटर के बराबर हो जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसे ही देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ था वही क्वेश्चन यहाँ है, केवल वर्डिंग कैसे बदलेगी ये चीज़ देखा जाए। कोई यहाँ टावर है एच मीटर हाइट का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो उसकी हाइट है, उसका मतलब जो टॉप है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस पॉइंट के उसके बॉटम से डिस्टेंस निकालनी। फिर समझिएगा, क्वेश्चन वही है कि वर्डिंग बदलेगी। कोई टावर की हाइट एच मीटर है, उसका टॉप जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जिस वो पॉइंट और ये टॉप का जो बॉटम है 30 मीटर हाइट पे है, तो इस टावर की हाइट निकालना। फिर से वही केस हो गया, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है,
तो टेन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपान 30, और ये वैल्यू रूट 3 के बराबर आ जाएगी, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30√3 meters। तो ये वैल्यू एच इक्वल टू 30√3 meters के बराबर हो जाएगी। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, केवल सिचुएशन अलग है, बात करने का तरीका अलग है, कैलकुलेशन चीज़ें वही होंगी, केवल जो सिचुएशन जैसी होगी वैसी वर्डिंग यूज की गई है, यहाँ की वर्डिंग अलग है, यहाँ की वर्डिंग अलग है, जबकि टाइप जो है दोनों क्वेश्चन का सेम है। तो यही इसलिए इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही मतलब है कि जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करना है। अभी तो ये एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसलिए सिंपल से हैं, और थोड़े टिपिकल होंगे, सिचुएशन जैसी होगी उस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसी अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर अप्लाई करना होगा, और चीज़ें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे उन चीज़ों के बेस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। पीछे वीडियोस में देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस, आप लोगों ने उसको किया भी होगा। आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक ट्री है जो कि तूफान में टूट जाता है, और उसका जो जहाँ से वो ब्रेक होता है उसका पार्ट आकर के जस्ट उसका टॉप जो है पेड़ का ज़मीन पर टच करता है, तो हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो हाइट ऑफ द ट्री अगर एक्स पार्ट ये है और y ये है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, x प्लस y के बराबर हो जाएगी। यहाँ ध्यान देना होगा, और जो टॉप यहाँ पे हैंग कर रहा, टच कर रहा अर्थ को, 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और जहाँ पे टच कर रहा ट्री के बॉटम से रूट से 8 meters की डिस्टेंस पे है। तो मीन सबको x और y दोनों निकालने हैं, दोनों का सम जो होगा दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। तो अगर हमको x निकालना है तो x अपान 8 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस, जो कि tan 30 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 meters, और ऐसे ही अगर y हम लेंगे तो 8/y जो हो जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, cos 30 के √3/2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, x की वैल्यू 8/√3 और y की वैल्यू 16/√3। तो ये आ जाएगा 24/√3, और ये आ जाएगा 8√3 meters के। कहने का था हाइट ऑफ द ट्री जो है 8√3 meters है। तो पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर पाम बेस tan 30 अप्लाई किया, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, फिर बेस अपान हाइपोटेन्यूज अप्लाई किया cos 30, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिया, और दोनों को सम कर लिया, तो इससे में हमें मिल गई हाइट ऑफ द ट्री जो कि 8√3 meters के बराबर होगी। तो वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा जाए उसको समझना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करके जो चीज़ कही गई होगी उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा। एक कोई 30 meters लॉन्ग टावर है, उससे कुछ दूरी पे एक पर्सन खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 meters है, और वो अपने आई से जो उसका टावर का टॉप है 30 degree एंगल बना रहा है, फिर कुछ दूरी चलता है तो एंगल ऑफ रिलेशन 60 degree हो जाता है। तो हमें बताना कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो पहले तो इनके नाम रख लेते हैं, ए बी तो मतलब हमें बी एफ बताना है कि जो पर्सन है वो कितनी दूरी ट्रेवल करके कितना पास उसके गया है, हमें बी एफ कैलकुलेट करना है। ये 1.5 अगर यहाँ से, क्योंकि यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया जाएगा, तो ये भी 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ से जो बचा है 28.5 हो जाएगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस हम अगर एक्स ले लें तो tan 30 अगर अप्लाई करेंगे तो tan 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 28.5/x के, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5√3 meters।
एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 28.5 रूट 3 मीटर के बराबर हो जाएगी। और ऐसे ही अगर इस डिस्टेंस को वाई हम ले लें तो टेन 60 जब अब अगर अप्लाई करेंगे तो टेन 60 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 28.5 अपान वाई जो कि रूट 3 के बराबर हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 28.5 अपान रूट 3 मीटर के बराबर आ जाएगी। और अब अगर डी की वैल्यू देखा जाए तो डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई के। एक्स है हमारा 28.5 रूट 3 माइनस तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन जो है टावर की तरफ 19√3 मीटर गया हुआ है, क्योंकि डी की वैल्यू जो हो जाएगी एक्स माइनस वाई के बराबर हो जाएगी। एक्स 28.5√3, वाई की वैल्यू 28 अपाने इसको सॉल्व किए तो हमें टोटल मिलेगा 57√3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19√3 मीटर। इसका मतलब जो पर्सन है टूअर्ड्स टावर 19√3 मीटर इसने इधर की तरफ वॉक किया। तो ये सब क्वेश्चंस है, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बनाना होगा, एक चीज़ का ध्यान देना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में माना जाता है कि अगर क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम सही से बना लिया तो 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वही चीज़ यहाँ सारी सिचुएशन को हमने देखा, टोटल डिस्टेंस एक्स यहाँ ले लिया, यहाँ वाई ले लिया, एक्स कैलकुलेट किया, वाई कैलकुलेट किया तो सीधे यहाँ दिख रहा है डी की वैल्यू एक्स माइनस वाई, और उसको कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू 19√3 के बराबर है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस के हमने बताया ही कि इसमें मेनली क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो 2-3 बार उसको बहुत ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और उससे रिलेटेड डायग्राम बनाइए। अगर डायग्राम सही से बना ले गए मतलब कि 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन ये है कि कोई कैनल है, ये BC हमारा कैनल है, उसके जस्ट एक किनारे पे एक टावर है 1 मीटर हाइट का, और उसके अदर कॉर्नर से जो इसके टावर के हाइट का एंगल ऑफ इल्यूशन 60 डिग्री है, और उसके अदर साइड से 20 मीटर दूरी पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ इल्यूशन 30 डिग्री है। तो हमें विड्थ ऑफ द टावर मतलब BC बताना है, और हाइट ऑफ द टावर मतलब H की वैल्यू बताना है। विड्थ ऑफ द कैनल BC जो कि एक्स लिया गया है तो एक्स की वैल्यू बतानी है, और AB जो कि टावर है तो टावर की हाइट बतानी है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, इंटर एंगल ABC और tan 60 की वैल्यू √3 के बराबर है, तो H इक्वल टू √3x के बराबर आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू देखें अब अगर h की जगह यहीं पे 20+x h की जगह √3x रख देंगे तो ये आ जाएगा 3x, तो 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर के बराबर आ जाएगी। मतलब जो कैनल है उसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, और x की वैल्यू अगर रख देंगे
इतने मीटर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमें हाइट भी मिल गई टावर की और साथ में डेप्थ ऑफ द कैनल जो कि 10 मीटर के बराबर ये मिल गई। तो यहाँ से सीधे दिख रहा होगा कि जहाँ डायग्राम बन गया चीज़ें अपने आप क्लियर होती है, उसके बाद तो बस साइन कॉस टैन अप्लाई करना होता है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई और एक टावर है, टावर के इस बिल्डिंग के टॉप से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, तो 45 तो 45 हो जाएगा। तो हमको हाइट ऑफ द टावर ही निकालना है, एच की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से अगर 45 अप्लाई करेंगे टेन तो डी की वैल्यू 7 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो डी अगर इसे ले ले तो 7 हो जाएगा और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एच माइनस 7 के। तो नाउ 10 60 ये आ जाएगा एच माइनस 7 अपॉन डी मीन्स √3 इक्वल टू एच माइनस 7, डी की वैल्यू 7 तो 7 √3 इक्वल टू एच माइनस 7। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 7 √3 प्लस 1 मीटर के बराबर। तो सिंपल सा, पहले यहाँ पे 10 45 अप्लाई किए तो ये डी की वैल्यू 7 आ गई, फिर यहाँ 10 60 अप्लाई कर दिए तो एच माइनस 7 अपॉन डी और सारी वैल्यू पुट कर दिए तो एच की वैल्यू आ गई 7 ब्रेकेट पे √3 प्लस 1 के बराबर हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो उनमें से क्वेश्चन ये है कि कोई 96 मीटर कोई हाइट का टावर है, उसके एक ही साइड में दो कार हैं, एक सपोर्ट कर लीजिए एस है एक आर है, जिनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो हैं अल्फा और बीटा हैं। साथ में ये भी दिया है कि अगर टैन अल्फा की वैल्यू 1/4 है और टैन बीटा की वैल्यू 1/7 है तो डिस्टेंस बिटवीन द कार, कार के बीच की दूरी क्या है, ये हमको निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको x मान लें तो tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 96 अपॉन x और tan अल्फा की वैल्यू 1/4 है इसका मतलब क्या हो गया कि tan अल्फा 96 तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई मीन्स जो फर्स्ट कार है उसकी टावर के बॉटम से डिस्टेंस। अब अगर tan बीटा में यहाँ अप्लाई कर दें और tan बीटा की जो वैल्यू है 1/7 है तो tan अल्फा से हमने x की वैल्यू निकाली 384 और tan बीटा हो जाएगा 96 अपॉन x प्लस d, यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे जो कि 18 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो x का मतलब और d का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन द कार s और r के बीच की जो डिस्टेंस है वो 18 मीटर के बराबर है। एक क्वेश्चन ये है कि दो टावर सेम हाइट के हैं, जिनके बीच की दूरी 80 मीटर है, सेम हाइट के मतलब एच मीटर दोनों की डिस्टेंस है, बीच में एक पॉइंट पी है जहाँ से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। दो टावर सेम हाइट के हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है, एक पॉइंट है उनके बीच में जहाँ से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है एक का 30 है। तो हाइट ऑफ द टावर और उनके मतलब पॉइंट की एक पोल से दूरी निकालनी है, मीन्स चाहे इधर से ये वाली इनका इनके नाम रख लेते हैं, ए है
बी है, ए डैश है, बी डैश है, तो चाहे हम ए पी निकाल लें या पी ए निकाल लें, मतलब पॉइंट की एक पोल से डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो अगर हम एक काम क्या करें, अगर एक्स ये है तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो टेन 60 अगर अप्लाई करेंगे, ये एच अपान एक्स मतलब रूट थ्री के बराबर हो जाएगा, तो एच की वैल्यू रूट थ्री एक्स, और टेन 30 अगर अप्लाई करेंगे अब अगर h की जगह यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी जा करके 20 मीटर। इसका मतलब है कि पॉइंट की एक पोल से जो दूरी है वो 20 मीटर है, तो दूसरे से वही 60 मीटर हो जाएगी, और x अगर 20 आ रहा है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 20 रूट 3 मीटर। तो मतलब हाइट ऑफ द टावर हो गई 20 रूट 3 मीटर, और जो पॉइंट होगा एक पोल से वो 20 मीटर की दूरी पे है।